नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर एक पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही है, इसकी मंजूरी मिल गई है। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे भारत में एक साथ राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय चुनाव लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार पूरे देश में चुनावों की फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता को कम करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के समय को एक साथ यानी सिंक्रोनाइज करने की अवधारणा पर केंद्रित है। वर्ष 1952, 1957, 1962 और वर्ष 1967 में पहले चार आम चुनावों के दौरान लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। हालांकि बाद में सात अवसरों पर लोकसभा के समय से पहले भंग होने और विभिन्न अवसरों पर विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। एक साथ चुनाव का विचार अतीत में भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्ष 1982 के द्वारा और लॉ कमीशन यानी विधि आयोग वर्ष 1999 के द्वारा रखा गया था। अब बात कर लेते हैं कि इसके क्या लाभ होंगे। देखिए, देश को बार बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना होगा और विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी। अभी चुनाव के चलते नए कामकाज रुक जाते हैं, केंद्र और राज्य के बीच जो स्थिति बनती है। अभी केंद्र में सत्ताधारी दल को राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान वहां के सत्ताधारी दल के कार्यों का खुला विरोध करना होता है। इस तरह बहुत से लाभ होंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस पर इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर एक पर। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें जब तक 64 वर्ष पुरानी सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर पुनः से बातचीत करने के लिए बैठक नहीं करती, तब तक परमानेंट इंडस कमीशन यानी पीआईसी यानी स्थायी सिंधु आयोग की कोई और बैठक नहीं होगी। परमानेंट इंडस वाटर कमीशन भारत और पाकिस्तान के बीच छह हिमालयी नदियों के बंटवारे का प्रबंधन करने के लिए वर्ष 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोनों देशों के कमिश्नरों को प्रत्येक वर्ष बैठक करने का आदेश दिया गया है और कभी कभी वर्ष में कई बार बैठक करनी होती है ताकि नदी के जल के बंटवारे, जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण एवं नदियों के इकोलॉजिकल पहलुओं से संबंधित डेटा शेयरिंग करने पर मतभेदों पर चर्चा एवं समाधान किया जा सके। क्या आप जानते हैं सिंधु के अंतर्गत ब्यास, राबी और सतलुज या इस तरह कह लें कि पूर्वी नदियों का जल भारत को और तीन पश्चिम नदियों जिनमें चेनाब, सिंधु और झेलम का जल पाकिस्तान को अलॉट किया गया था यानी आवंटित किया गया था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर एक पर कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक पैकेज को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत पर्यटन विभाग स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत देश भर के आदिवासी परिवारों एवं गाँवों को अपने घरों को पर्यटक आवास में बदलने या नए घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों की पर्यटक क्षमता का दोहन करना और अल्टरनेटिव लाइवलीहुड यानी वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। यह प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत नियोजित 25 हस्तक्षेपों में से एक है जो 63,000 अनुसूचित जनजाति बाहुल गांवों में मौजूदा योजनाओं को लागू करने के लिए एक व्यापक पैकेज है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इसको बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो स्वदेश दर्शन योजना एक दशक पहले यानी वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। हालांकि आदिवासी आवास प्रस्ताव एक नया तत्व है, इसमें एक न्यू एलिमेंट कह सकते हैं इसको। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना पैकेज का उद्देश्य आदिवासी गांवों के बुनियादी योजनाओं की सैचुरेशन की स्थिति को सुनिश्चित करना है, जिसमें 17 मंत्रालयों द्वारा हस्तक्षेप यानी इंटरवेंट लागू किए जाएंगे और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्य योजना में प्रत्येक मंत्रालय के आवंटित हिस्से से धन आएगा। ये इम्पोर्टेंट स्कीम है, इस पर नजर बनाकर रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। गवर्नेंस के साथ साथ इसको इंटरनल सिक्योरिटी का भी पार्ट मानना चाहिए इस न्यूज को, क्योंकि ये बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रहा है और जो कि ये बॉर्डर मैनेजमेंट पेपर 3 में आता है, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत। न्यूज ये है कि केंद्र सरकार म्यांमार सीमा पर बाड़ यानी फेंसिंग लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं। 1,643 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा के 30 किलोमीटर के हिस्से पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है, जिसे उन्होंने मणिपुर में
एथनिक वायलेंस यानी जाति हिंसा का मूल कारण बताया है, जिनमें नागा कुकी मैतोई के बीच बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी उसका कारण एथनिक वायलेंस बताया जा रहा है। उसका बड़ा कारण सीमा पार गतिविधि थी। मणिपुर का जो अंतिम गांव है उसको मोरहे बोलते हैं। मोरहे के पास लगभग 10 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है और मणिपुर के अन्य इलाकों में 21 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम चल रहा है। इस वर्ष के शुरुआत में गृह मंत्रालय ने भारत म्यांमार फ्री मूवमेंट रिजीम यानी FMR यानी भारत म्यांमार मुक्त आवागमन व्यवस्था को पहले ही समाप्त कर दिया था, जो कि FMR के अंतर होता क्या था कि सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना किसी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज के एक दूसरे के इलाके में 16 किलोमीटर तक भारत के लोग म्यांमार में जा सकते थे और 16 किलोमीटर भारत के अंदर यानी मणिपुर में या अन्य जो राज्यों की सीमा साझा होती है म्यांमार के साथ म्यांमार के लोग भारत में आ सकते थे, उसको समाप्त कर दिया है। फ्री मूवमेंट रिजीम अब नहीं होगा, इसलिए न्यूज बनी थी। तो इस न्यूज पर भी नजर बना के रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था पेज नंबर 14 पर और ये स्पेस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने चंद्रमा की चट्टानों को पृथ्वी पर लाने के, शुक्र की कक्षा यानी ऑर्बिट वीनस में एक अंतरिक्ष यान भेजने एवं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए गगनयान परियोजना का विस्तार करने के लिए चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने अंतरिक्ष विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल का निर्माण करने की बात कही गई है, जो ऑर्बिट यानी कक्षाओं में भारी पेलोड रखने में सक्षम है, जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में और चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह लैंडमार्क डिसीजन यानी ऐतिहासिक निर्णय हमें वर्ष 2035 तक एक आत्मनिर्भर अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक क्रूड लूनर मिशन के करीब लाएगा। सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी शुक्र ऑर्बिटर मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए मंजूर किया, जिसे मार्च 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किए गए मंगल ऑर्बिटर मिशन के बाद भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा यानी अंतरग्रही मिशन होगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत योजनाएं किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेंगी और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक वस्तुओं यानी एसेंशियल गुड्स की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करेंगी। कैबिनेट ने आगामी रवि सीजन के लिए PNK यानी फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरक पर पोषक तत्व आधारित यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दरें भी तय की हैं। 15वें वित्त आयोग के दौरान वर्ष 2025-26 तक PM आशा के लिए कुल वित्तीय व्यय 35,000 करोड़ रुपए होगा। केंद्र ने प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी मूल्य समर्थन योजना और PSF यानी प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड यानी मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना को प्रधानमंत्री आशा में एकीकृत कर दिया है, उनको इंटीग्रेट कर दिया है, जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री आशा में अब PSS और PSF यानी मूल्य घाटा भुगतान योजना, PSS, PSF और प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम यानी मूल्य घाटा भुगतान योजना, जिसको शॉर्ट में PDPS भी बोलते हैं, और बाजार हस्तक्षेप स्कीम जो MIS के घटक होंगे यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के घटक होंगे। इस न्यूज पे नजर बना के रखिएगा, इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकती है ये। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 9 पर कवर किया था। एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हैदराबाद स्थित इनक्वाइस यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस के शोधकर्ताओं ने एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस विकसित किया है, जो भारत के समुद्र तट के किनारे उन स्थलों का मानचित्रण करता है जहां ज्वारी तरंगों और धाराओं जैसे ब्लू रिन्यूएबल यानी नीले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। यह तट के किनारे संभावित स्थलों पर व्यक्तिगत या एकीकृत ब्लू रिन्यूएबल सोर्सेज से उत्पन्न की जा सकने वाली नवीकरणीय ऊर्जा के अनुमानित मूल्य को बताता है। अनुमानों के अनुसार भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ, जिसको इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं, में कई नीले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से लगभग 9.2 लाख टेरावाट घंटे उत्पन्न करने की क्षमता है। यह दुनिया का अपनी तरह का पहला एटलस होगा जो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नीले ऊर्जा भंडार का एकीकृत और व्यक्तिगत मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। साथियों, आज के छोटी अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।